गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 10th of August 2022। आइए देखते हैं कल क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है एंड आज और आने वाले दिन में क्या एक्सपेक्ट हो सकते हैं। कल ड्यू टू मुहर्रम हमारा इंडियन मार्केट क्लोज था, तो हमारे डॉलर रुपये में खास कुछ एक्टिविटीज हुआ नहीं था। सो दैट बीइंग द केस, लेट्स सी हाउ द ग्लोबल मार्केट्स बिहेव्ड। डॉलर इंडेक्स अभी है 106.28 पे। हम देखेंगे पिछले 2 दिन से 8 अगस्त एंड 9 अगस्त को मींस नैरो रेंज मूवमेंट्स हुआ है। दैट इज मेनली ड्यू टू आज 10th of August को यूएस सीपीआई डेटा है। मार्केट इज वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर डेटा, वेदर एनी इम्प्रूवमेंट आफ्टर ऑल दीज मॉनिटरी पॉलिसीज, रेट इंक्रीज एंड ऑल दीज एक्टिविटीज हैज हेल्प्ड the policy makers to curb the inflation number or not, that will be decided by today evening. And उसके ऊपर basis करके ही further move हम expect कर सकते हैं। So that is why आप देखोगे ये narrow range candles हो रहा है। And as per the analysis हमें ये 107.30 to 107.50 के ऊपर close देना नहीं चाहिए। And इसके नीचे अगर close दे देता है, that is 105.10 के नीचे अगर क्लोज दे देता है तो लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस क्लियर कट हो जाएगा। अगर डॉलर रुपी का हम देखेंगे, डॉलर रुपी अभी है 79.52 लेवल्स पे। इसका लोकेशन कहाँ पे है? इट इज द आपका सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड। यहाँ पे देखने लायक बात यही है कि ये जो सीआईपी पहले का सपोर्ट था जो ब्रेक करके नीचे आया था एंड अभी उसी रेंज पे होवर अराउंड कर रहा है। एंड आल्सो आरएसआई टर्म्स में हम देखेंगे सम सॉर्ट ऑफ हेजिटेशन टू मूव हायर। सो दैट बीइंग द केस, मार्केट मे बी वेटिंग फॉर सम ट्रिगर टू एप्रिशिएट, दैट मीन्स द रुपी टू एप्रिशिएट एंड मूव डाउनवर्ड। दैट इज द इंडिकेशन इन डेली टाइम फ्रेम इज देयर। जीबीपी डॉलर हम देखेंगे वही है कि सेंटर बैंड के नीचे क्लोज देना नहीं चाहिए बिकॉज ऑफ मार्केट इज वेटिंग फॉर द सीपीआई डेटा। उसके बाद ही जो आइदर ये सेंटर बैंड के नीचे क्लोज देगा या ऊपर होवर अराउंड करेगा। जीबीपी आईएनआर हम देखेंगे, जीबीपी आईएनआर में भी वही हाल है, ये सेंटर बैंड के आसपास मींस कंसोलिडेट कर रहा है। यूरो डॉलर देखेंगे, यूरो डॉलर में भी वही सेम एक्सपेक्टेशन से सेंटर बैंक के ऊपर ही अभी होवर अराउंड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर नीचे जाएगा देन इज द कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अस, इट मे क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ कंसर्न्स। तो बट हमें यूएस सीपीआई डेटा के बाद ही हमें देखना है कि ये यूरो डॉलर कैसे बिहेव कर रहा है। एंड यूरो आईएनआर अभी थोड़ा सा मींस खुद को आप देखोगे 2 अगस्त के बाद, 2 अगस्त का लो जो मारा था 79.91, उसके बाद आपका 2 दिन आपका अच्छा खासा अप मूव आया टूवर्ड्स 81.32। उसके बाद कंसोलिडेशन हो रहा है। अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल से, दैट इज द आपका 81.70 से 82.20 के बीच में, ये इसको अगर ऊपर जाना है ना, इसको ऊपर जाना है तो ये रेजिस्टेंस जोन को मींस क्लोज करना पड़ेगा। एंड जब तक ये इसके ऊपर क्लोज नहीं दे देता है या आपका इसके लो के नीचे, दैट इज 79.90 के नीचे लो क्लोज नहीं दे देता है, तब तक ये इसी रेंज के अंदर में आपका 79.90 एंड 82.10 के अंदर में ही कंसोलिडेट करने का प्रयास करेगा। डॉलर येन देखेंगे, डॉलर येन आपका वही हाल है, सेंटर बैंड के आसपास ओवर रन कर रहा है जस्ट लाइक द डॉलर इंडेक्स। बेसिकली ऑल द मेजर करेंसी पेयर्स आर आइदर ट्राइंग टू टेक रेजिस्टेंस ऑन द सेंटर बैंड जस्ट लाइक डॉलर इंडेक्स, डॉलर रुपी एंड डॉलर येन, एंड इन केस ऑफ जीबीपी डॉलर एंड यूरो डॉलर इट इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट ऑन द सेंटर बैंड। सो हमें इंतजार करना पड़ेगा कि ये यहाँ पे रेस्पेक्ट कर रहा है एंड रेस्पेक्ट करके अकॉर्डिंगली फॉलो थ्रू दे रहा है या नहीं दे रहा है। एन आई एन आर हम देखेंगे, एन आई एन आर में यहाँ पे सपोर्ट ये सेंटर बैंड के नीचे तोड़ना नहीं चाहिए। एक्सक्यूज मी, सो दैट इज ओनली आवर कंसर्न। और यहाँ पे आपका सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट इज आल्सो देयर, दिस सपोर्ट लेवल्स। तो हमें देखना है कि इसके सेंटर बैंड के नीचे और ये सपोर्ट लेवल सीएपी सपोर्ट के नीचे क्लोज देना नहीं चाहिए, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट सम अपवर्ड मूवमेंट इन दिस करेंसी पेयर।
डॉलर कैंडी में हम देखेंगे वही है आपका थोड़ा सा हेजिटेशन विद इन दिस रेंज। तो अभी हमें सीपीआई का डेटा के लिए, यूएस सीपीआई डेटा के लिए इंतजार करना है, एंड जब तक ये 1.2750 के नीचे क्लोज नहीं दे देता है या आपका 131.50 के ऊपर क्लोज नहीं दे देता है, तब तक ये साइडवेज चॉपी बिहेवियर ही करने का एक्सपेक्टेशंस हो सकता है। ऑसी डॉलर में हम देखेंगे वही सेम सेंटर बैंड में सपोर्ट ले रहा है एंड मार्केट इज बेसिकली वेटिंग फॉर द ट्रिगर। एक बार एक ट्रिगर क्लियर हो जाता है, यूएसपीआई क्लियर द रूट, तो उसके बाद आइदर ये बूम करके ऊपर की तरफ जाने का एक्सपेक्ट करेगा, या नहीं तो अगर यूएसपीआई डेटा बहुत ही गंदा आता है तो नीचे की तरफ जाने का प्रयास करेगा। तो अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो 0.7050 एरिया जो है, 0.7050 0.7060 एरिया इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड ए गुड रेजिस्टेंस जोन। इसके ऊपर अगर कन्विंसिंगली तोड़ता है देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट द नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल एज 0.7230 टू 0.7250 एरिया। डॉलर सीएनएच में देखेंगे कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन एंड कंसोलिडेशन विद इन आपका जो मदर कैंडल है 14 जुलाई। सो नाउ जितना कंसोलिडेशन हो रहा है उतना ही ये मदर कैंडल का रेंज इंपॉर्टेंट बन रहा है। ये मदर कैंडल का हमें टैक्टफुली एंड क्लोजली मॉनिटर करना है, कौन सा साइड में ये ब्रेकआउट करता है, आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड। ऑल्दो एज पर द नंबर ऑफ कलर एंड साइज ऑफ द कैंडल्स हल्का सा एक टिंज आ रहा है, बायस आ रहा है, हल्का सा बायस कि ये नीचे की तरफ जा सकते हैं आने वाले दिनों में, लेकिन हमें क्लोजली मॉनिटर करना है। यूके ऑयल देखेंगे, कल एक आपका हमारा जो एक्चुअली बेसिकली द रेजिस्टेंस लेवल था 97 30 से 78 70 80 तक ये जोन पे हमारा ये था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर दोबारा नीचे आता है या नहीं आता, ये जोन को क्लोज करके ऊपर की तरफ चला जाता है। तो एज ऑफ नाउ कल जो हमारा जो कैंडल फॉर्मेशन है ये डोजी कम स्पिनिंग टॉप कैंडल फॉर्म हुआ है, एंड ऑल्सो आरएसआई टर्म्स में वीकनेसेस हमें यहाँ पे दिख रहा है, देन देर आर हायर पॉसिबिलिटीज की अगेन दोबारा ये 93 94 के तरफ आने वाले दिनों में ट्रेड कर सकता है। अगर हम यूएस टेनर ट्रेजरी देखेंगे, यूएस टेनर ट्रेजरी कल एक छोटा रेंज में कंसोलिडेट किया है एंड आज भी बिफोर यूएससीपीआई ये छोटा ही मूवमेंट करेगा। एक बार यूएससीपीआई डेटा फिगर क्लियर हो जाता है, आउट हो जाता है, उसके बाद ही ये ऊपर की तरफ जाएगा या फॉलो थ्रू नीचे की तरफ देगा, ये हमें देखने वाला बात है। हमारा जो एक्सपेक्टेशन है बेसिकली आप अगर मेरे को पूछोगे, आई डोंट वांट टू बी पार्टी टू द बायर्स और आई डोंट वांट टू बी द पार्टी टू द सेलर्स, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन से जिस भी साइड में जाए एक मीन्स ग्रेजुअल मैनर्स में जाए, ऐसा ना हो कि दुम करके एक दिन दो दिन ऊपर चला गया, दूसरे तीसरे चौथे दिन फिर दुम करके नीचे की तरफ आ जाए, इरेटिक मूवमेंट, टू वे चॉपी, वॉलेटाइल मूवमेंट। और उस टाइप का अगर मूवमेंट होता है ना उसमें ट्रेडिंग करने के लिए मजा नहीं आता है, बिकॉज इस टाइप के चॉपी मूवमेंट्स में क्या होता है, स्टॉप लॉसेस ऑन बोथ साइड्स ट्रिगर होता है। लेकिन अगर एक मीन्स रेगुलर फैशन में इधर नीचे की तरफ आता है या रेगुलर फैशन में एक ऊपर की तरफ जाता है तो उसमें ट्रेड करने में मजा है, बिकॉज यू कैन हैव ए प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड अकॉर्डिंगली ट्रेड। तो यहाँ पे वही है कि एज ऑफ नाउ हम जो देख रहे हैं ये कंटिन्यूअसली लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस कर रहा है एंड एज ऑफ नाउ जो स्विंग हाई है दैट इज आपका 2.86 2.87 है, तो ये 2.86 2.87 के ऊपर क्लोज देना नहीं चाहिए। अगर ये क्लोज देगा तो वही इरेटिक चॉपी वॉलेटाइल टू वे मीन्स मूवमेंट्स विल बी देयर, कभी बूम करके ऊपर कभी डूम करके नीचे, मीन्स इरेटिक मूवमेंट्स, मीन्स इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मीन्स टेक एनी पोजीशंस। एंड आल्सो आई नो सम ट्रेडर्स आर देयर, दे लाइक टू ट्रेड सच मार्केट्स एंड दैट इज देयर वे ऑफ ट्रेडिंग, मीन्स देयर पर्सनैलिटी मैचेस और सूट्स दैट पर्टिकुलर वॉलेटिलिटी। बट मेरा जो माइंडसेट या साइकोलॉजी है उसमें क्या है कि ग्रेजुअली एक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए तो देन ट्रेड करने में मजा आता है, दैट इज माइंड। सो यहाँ पे क्या होता है, ये ट्रेडिंग वर्ल्ड है, नथिंग इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज करेक्ट इफ इट मैचेस योर साइकोलॉजी एंड इफ यू आर इन ए पोजिशन टू मेक मनी आउट ऑफ दोज साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो एवरीथिंग इज करेक्ट, दैट इज व्हाट आई वांट टू मीन। कोई अगर चॉपी मूवमेंट, टू वे वॉलेटाइल मूवमेंट में ट्रेड कर रहा है एंड पैसा बना रहे, इट इज वेरी गुड फॉर देम एंड सो इट्स नथिंग रॉन्ग, नथिंग करेक्ट, नथिंग रॉन्ग, ओनली थिंग इज दैट आपका साइकोलॉजी के साथ क्या मैच हो रहा है, दैट इज द ओनली ट्रिगर पॉइंट। तो करेंसी आपका ये डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।